हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का फर्स्ट चैप्टर है, 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, एनवायरनमेंट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, एनवायरनमेंट में आपको तीन चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एक तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन इसमें पढ़ने वाले हैं, इसके बाद इकोसिस्टम भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे, और तीन तरह के नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड, तीन तरह के एनवायरनमेंट आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला जो एनवायरनमेंट है उसकी डेफिनेशंस यहाँ पर दे रखे नीचे, कंपोनेंट बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले एनवायरनमेंट देखते हैं। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट जो है वो हमारी लाइफ का एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है, क्योंकि हमें एक तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, एयर वी ब्रीथ सांस लेने के लिए, वाटर भी ड्रिंक, पानी भी हमको एनवायरनमेंट के थ्रू मिल रहा है, और फूड भी जो खाना है वो भी एनवायरनमेंट के थ्रू मिलता है, और रहने के लिए लैंड जो हमको मिल रहा है वो भी एनवायरनमेंट का है। तो ये तीन चार चीज़ें जो भी है एक तरह से एनवायरनमेंट के थ्रू हमको मिल रही है। यहाँ पर तीन चार चीज़ों को जिक्र किया है, लेकिन एनवायरनमेंट के थ्रू हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है एक्स्ट्रा, जो कि यहाँ पर और जिक्र नहीं किया गया है। अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ आप समझ सकते हैं, तो फॉरेस्ट आपका हमें एक तो मेडिसिन देता है, आपके खाने की चीज़ें देता है, आपको फ्रूट्स दे रहा है, आपको रॉ मटेरियल्स दे रहा है, यहाँ तक कि कुछ प्रिजर्वेटिव चीज़ें जो कि आपको आपके फॉरेस्ट के थ्रू मिलती हैं, और एक तरह के इकोसिस्टम को भी इसने एक तरह से लिंक कर रखा है पूरे इन्वायरमेंट के थ्रू। जितनी भी फूड चेन चलती है उसमें फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फॉरेस्ट में जो एनिमल्स मिलते हैं, जंगलों में जो एनिमल्स मिल रहे हैं, जीव जिनको कहते हैं हम, उनके थ्रू एक फूड चेन चलती है, जिससे कि पूरी एक साइकिल चल रही है बहुत अच्छे से। तो साइकिल चलाने के लिए एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट के सारे टाइप्स जितनी भी एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट हो गया आपका, आपके रिवर्स हो गई, आपके जो क्या बोलते हैं माउंटेन्स हो गए, एनवायरनमेंट्स जो भी चीज़ आ रही है वो सब एक तरह के फूड चैन में बहुत बड़ा उनका काम होता है। तो यहाँ पर भी बाद में बात करेंगे इन चीज़ों की, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करा है। तो यहाँ पर पहले एनवायरनमेंट की बात करते, तो एनवायरनमेंट हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करने वाला है। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, वाटर देता है हमें पानी पीने के लिए, पानी का जो है वो एनवायरनमेंट के थ्रू ही मिल रहा है हमको, और खाने की चीज़ें रॉ मटेरियल हो गए, और रहने के लिए लैंड दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, नीचे की साइड जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बातचीत वगैरह की गई, जो कि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना इतना कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पेज पर आते तो यहाँ पर एक डायग्राम है जो कि कॉमन दिखने में लगता है, लेकिन इस डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट बात कर लिए, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो कितने तरह के अंदर बटा हुआ है एनवायरनमेंट को। तो एनवायरनमेंट को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है नेचर, ये नेचुरल यहाँ पर शो है, एक सेकेंड सर के ले लेता हूँ मैं। एक तो नेचुरल हो गया, एक आपका ह्यूमन मेड हो गया, और तीसरा आपका ह्यूमन। ये तीन भागों में बांटा गया है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल में आप मान सकते हैं जो चीज़ अपने आप बनी हुई है पूरी धरती पर, जो कि जैसे कि आपका एटमॉस्फेयर, ये किसी ह्यूमंस ने नहीं बनाई, अपने आप बनाया है। तो एयर एटमॉस्फेयर हो गया आपका, वाटर हाइड्रोस्फेयर है ना, पानी हो गया आपका, नदियाँ हैं, तालाब है, समुद्र है, ये सब वाटर हाइड्रोस्फेयर। तालाब तो जब भी चलो, पर हम नदियाँ हैं आपके, समुद्र हैं, ये वाटर हाइड्रोस्फेयर में हम काउंट कर लेते हैं। लिथोस्फीयर, ऐसे लैंड जो है वो किसके थ्रू मिल रही है, वो सब नेचुरल बनी हुई है, हमने नहीं बनाई है वो। और जब ये तीनों चीज़ें मिलती है, एयर, वाटर और लैंड, वाटर, एयर और लैंड, ये जब तीनों चीज़ें मिलती है तो हमारे किसका निर्माण होता है, बायोस्फीयर का। लैंड, एयर, वाटर, ये तीनों हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर, लिथोस्फीयर मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। वही ह्यूमन मेड में आप देख सकते हैं, ह्यूमन मेड आप नाम से पता चल रहा है जो इंसानों ने बनाई है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स, घर वगैरह बनना, ये सब ह्यूमन मेड्स में आते हैं, काउंट करते हैं। इसके अलावा पार्क्स, पार्क्स भी ह्यूमन से बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद ब्रिजेस, ब्रिज ब्रिज भी बनाते हैं। अगर हम सबसे पुराने ब्रिज की बात करें तो हम राम सेतु का भी नाम याद करते हैं। रोड्स हो गई हैं, रोड का जो है, रोड्स हैं वो भी इंसान ने बनाता है, मॉन्यूमेंट्स है, मकबरा वगैरह ये सब, और आपके ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब चीज़ें, और इंडस्ट्री, ये यहाँ पर इतना चीज़ दे रखी है, तो ये सब ह्यूमन मेड है।
ये सब ह्यूमंस ने बनाया है और इन सब का निर्माण हो कर रहा है। इन सब का जो बेस ह्यूमन बींग्स का, वो बेस हमेशा रहेगा आपका नेचुरल, क्योंकि ब्रिजेस किससे बन रहे हैं? हाइड्रोस्फीयर पे पानी बन रहे हैं, ठीक है। आपकी रोड किससे बन रही है? आपके रोड लैंड पे बन रही है। आपके मॉन्यूमेंट किससे बन रहे हैं? लैंड पे बन रहे हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रीज किसको प्रभावित कर रही है? आपके एयर्स को प्रभावित कर रही है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर ह्यूमन मेड में काउंट हो रही हैं, जो भी चीज़ें ह्यूमन मेड में काउंट हो रही है, एक सेकेंड, जो भी चीज़ें ह्यूमन मेड में काउंट हो रही है, वो सब आपके नेचुरल पर डिपेंड करते हैं और इसको प्रभाव करेंगे। इसके बाद अब जो ह्यूमन मेड है, इसका यूज हम कौन लेते हैं? ह्यूमन से कैसे लेते हैं इसको, थोड़ा सा मुझे साइड को मिनिमाइज करना पड़ेगा जिससे कि समझ में आए अच्छे से। तो डायग्राम पूरा दिख रहा है, तो इसमें ह्यूमंस हैं आपके इंडिविजुअल, एक आदमी सिंपल, आप समझ सकते हैं अपने आप को समझ सकते हैं। जब तीन चार लोग मिलते हैं तो एक फैमिली बनती है, और जब पूरी फैमिली फैमिली मिल रही है तो एक क्या होता है, एक फैमिली एक फैमिली एक फैमिली, ऐसे करके कम्युनिटी तैयार होती है। अलग अलग फैमिली से मिलकर कम्युनिटी की कर रही है, और एक कम्युनिटी एक रिलीजन को क्रिएट करती है, ये सब एक अच्छे से। और एक रिलीजन है तो उसको कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो डायग्राम शो करा गया कि एजुकेशन के थ्रू, और एजुकेशन इकोनॉमी, अगर पढ़ा लिखा है देश तो इकोनॉमी बनेगी, और इकोनॉमी से हमारा देश चलेगा, पॉलिटिकल सिचुएशन भी अच्छी रहेगी, सब चीज़ें। तो यहाँ से एक इंडिविजुअल से पॉलिटिकल सिचुएशन तक का पूरा सफ़र यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है, कि इंडिविजुअल से पॉलिटिकल सफ़र तक कैसे आ जाता है, यहाँ पर अच्छे से शो किया गया है। तो एक इंडिविजुअल इंसान होता है, उसके बाद उसकी फैमिली है, फैमिली बनेगी, फैमिली के बाद कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी मतलब फैमिली 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 बहुत सारी फैमिलीज, और फिर एक कम्युनिटी एक रिलीजन को फॉर्म करती है, और एक रिलीजन के थ्रू एजुकेशन के थ्रू आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होगी देश की, और इससे पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी देश की, ठीक है, ये समझ सकते हैं। इसके बाद बायोटिक और अबायोटिक ऐसे दो फैक्टर्स, या फिर हम कह सकते हैं ये दो डेफिनेशन ऐसी हैं जो कि कॉमन है लेकिन याद होनी चाहिए। तो बायोटिक और अबायोटिक के अंदर डिफरेंस सबसे बड़ा ये है, बायो नाम से पता चल रहा है, बायो बायो मतलब होता है जीव। तो जो चीज़ लिविंग है, जो चीज़ लिविंग है उसको हम क्या में काउंट करते हैं? बायोटिक में। और जो चीज़ अब जो जीव नॉन लिविंग है, बायो का मतलब मैंने क्या बोला, जीव, हम बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं, इस तरह से अबायो मतलब आप कहोगे नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग चीज़ों को हम क्या में काउंट करते हैं? अबायोटिक में। और इसका एग्जाम्पल लैंड, आपका लैंड हो गया, आपका अली तो शेर हो गया है ना, पर फिर भी हिंदू धर्म के हिसाब से नेचुरल चीज़ को भी क्या माना गया है, एक तरह से कह सकते हैं कि लिविंग माना गया है। धरती को माँ बताया गया है, जल को देवता बताया गया है, और वायु को भी देवता बताया गया है। तो एक तरह से यहाँ पर अगर हम हिंदू धर्म के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर इन सबको अबायोटिक की जगह बायोटिक मान लिया जाता है, लेकिन असली में ये अबायोटिक होते हैं, साइंस और ज्योग्राफी के अनुसार ये अबायोटिक होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये दो चीज़ हमको पता चला, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पहले हम दे दी थी कि दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो कि हमें चारों तरफ से घेर कर रखा, हम जैसे इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिसने हमको चारों तरफ से घेर रखा है, जिसके चारों तरफ से हम जिस पर हम डिपेंडेंट हो चुके हैं, वो है हमारा एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट ये ह्यूमन मेड, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल ह्यूमन मेड फिनोमेना। ये क्या है? ह्यूमन मेड, नेचुरल और ह्यूमन का एक जो कॉम्बिनेशन है उसके फिनोमेना से बना हुआ है। और नेचुरल को भी अबायोटिक और बायोटिक में शामिल किया गया है, ठीक है, जो कि इंसान को, अब देखो ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, इसको डिफाइंड किया गया है काय में, अबायोटिक और बायोटिक में। ये मैंने आपको बताना भूल गया शायद, कि जो नेचर है उसका ही टाइप है बायोटिक और अबायोटिक। नेचर कैसे, जैसे कि ह्यूमन जो कि नेचुरल बने हुए हैं ना, उन्हें हम किसी ने बनाया नहीं, ह्यूमन्स ने नहीं बनाया। आपके शेर हो गए, चीता हो गए, ये क्या नेचुरली बनाए गए हैं, बिग बैंग थ्योरी वगैरह की लिविंग बींग कैसा है वो सब बात की बात है, लेकिन अभी समझने की बात है कि नेचर नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें भी बनाया गया है। किसने बनाया? नेचर ने बनाया, नेचर ने बनाया, तो हम कैसे, हम तो लिविंग है, और जो लैंड है वो नॉन लिविंग है। तो जो नेचुरल बनी हुई उनमें से भी लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अब मिनिमाइज की जगह जूम भी कर सकता हूँ मैं। तो देखो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या, थोड़ा सा डिफाइन अच्छे से करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ के कॉर्नर में कॉर्नर के, आप बुक को अगर आप सही से नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर आप यहाँ पर जो क्रिएटिव पोर्शन है इनको जरूर देखिए, क्योंकि यही चीज़ आपके बेस बनती है,
असली ये एनवायरनमेंट क्या है, ये एनवायरनमेंट है, एक शब्द होता है जिसका नेबरहुड मतलब नेबरहुड, इसका मीनिंग होता है हमारे पड़ोसी। तो एक फ्रेंच के शब्द से लिया गया एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट में चार चीज़ों का हमने वर्णन करा था, मतलब हमने डिफाइन करी है चार चीज़ों को, किसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो है लिथोस्फीयर, जी बिल्कुल लिथोस्फीयर है। जो मैं नीचे डायग्राम की तरफ लेके जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर समझाना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है ना। ये लीजिए, ये बहुत अच्छा डायग्राम है जो कि 7th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर का, जो कि बहुत चीज़ें समझाता है आपको। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब लैंड, ये देखिए लैंड, यहाँ लोग रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अबायोटिक तो लिथोस्फीयर हो गई, बट इस पे बायोटिक लोग रहते हैं, मतलब हम लिविंग बींग रहेंगे, लिविंग बींग रह रहे हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं ह्यूमन मेड की चीज़ें बनी हुई, जैसे कि आपके एक घर हो गए आपके, है ना, मंदिर हो गए आपके, आपकी सड़क किस पे बन रही है, ठीक है। अब बायोस्फीयर जब, सॉरी, अब लिथोस्फीयर की हमने बात कर लिया, तो हाइड्रोस्फीयर है यहाँ पर। अब क्या है, यहाँ पर भी बायोटिक लोग रह रहे हैं, बायोटिक जैसे कि आपकी डक्स, आप देख रहे हैं डक्स आपको इस डायग्राम में शो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स भी है, जैसे कि आपकी बोट हो गई। तो देखिए नेचुरल पे क्या हो रहा है, नेचुरल पे डिपेंड कौन है, आपके ह्यूमन मेड चीज़ें। इसकी बोट काहे पे चल रही है भैया, ये चल रही है आपके पानी पे। तो यह हाइड्रोस्फीयर जो पानी वाले स्पेस को बोल रहे हैं हम हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोजन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर का निर्माण कर रहे हैं। वही एटमोसफियर जो है, एटमोसफियर एयर के लिए हम बात करते हैं। और बायोस्फीयर में आप चीज़ कॉमन देखिएगा कि लिथोस्फीयर को भी काउंट किया गया, आपके एटमोसफियर को भी काउंट किया है और हाइड्रोस्फीयर को भी काउंट किया गया है। तो तीनों चीज़ों को काउंट करने के बाद बनाया हमारा बायोस्फीयर। तो यहाँ पर ये चीज़ समझाने की थी जो कि मैंने समझा दी है। तो अब इकोसिस्टम क्या है, वो चीज़ काम की है। इकोसिस्टम एक तरह का इंटरेक्शन है, इंटर रिलेशन भी कह सकते हैं, इंटरेक्शन कह सकते हैं, लिविंग इन ऑर्गेनिज्म का विद ईच अदर। जैसे कि आप रह रहे हैं, आप जैसे कि मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, या थोड़ा सा कि डायग्राम मेरे सही नहीं बनेंगे क्योंकि मेरे पास डिजिटल पैन नहीं है, मैं पैड के थ्रू ही समझाता हूँ। पर हाँ, जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन खरीद लूँगा दोस्तों। तो देखो यार क्या है, जैसे कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, है ना, तो मेरे आसपास क्या है, फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट में मुझे रॉ मटेरियल मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। और फॉरेस्ट के अलावा मुझे, रॉ मटेरियल के अलावा मुझे पानी नदियों से मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये मैं लिविंग बींग हूँ और मेरा इंट्रैक्शन किससे हो रहा है, नेचुरल थिंग से हो रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग बींग विथ ईच अदर। तो यहाँ पर एक इंसान का दूसरे इंसान से रिलेशन भी इसमें काउंट हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है दोस्त। तो इकोसिस्टम का हमने बताया कि आपको देखो इंट्रैक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये केमिकल या फिजिकली फैक्टर के थ्रू आपका एनवायरनमेंट के अंदर जो है आपका इंट्रैक्शन होता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पर साफ साफ डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है। सॉरी पीछे आपको थोड़ी सी यहाँ पर हल्की सी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी सी घर की आवाज़ है, वो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा आपसे परेशान होंगे लेकिन संभाल लीजिएगा। तो इंट्रैक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस किस्म हो रहा है विथ ईच अदर, है ना। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों क्या है, पढ़ाई में आप हमेशा पढ़ने बैठे हैं तो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो चीज़ें डेफिनेशन ऐसी कि आपको याद हो जाएगी, बहुत ईजी डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन आपको मेन्स के आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, क्योंकि ये डेफिनेशन कहने को तो 7th क्लास की, लेकिन ये डेफिनेशन कुछ लोग आंसर में नहीं लिख पाते हैं, तो फिर ये क्या करता है, आपके मार्क्स को कम करता है। और वहीं अगर ये डेफिनेशन आप इकोसिस्टम का कहीं नाम नहीं है फिर भी आप लिख कर आ रहे हैं, कहीं जैसे एनवायरनमेंट की बात हो रही, तो अगर इकोसिस्टम की बात कर आ जाते तो आपको मार्क्स इंक्रीमेंट के संग मिलते हैं। तो ये क्या है, इंट्रैक्शन है विथ लिविंग, इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ एनवायरनमेंट, है ना। और या फिर अपने ईच अदर के संग, ये लोग एक दूसरे लोगों के संग इंट्रैक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। हम सब मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत इकोसिस्टम के बारे में बताएगा। और ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, एक इकोसिस्टम है, अभी इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो कैसे इकोसिस्टम के अंदर फूड चैन भी आती है, फूड चैन को भी हम, जैसे कि आपको हिरण दिख रहा है, अब इस हिरण को अगर शेर खाएगा, ठीक है, लायन
लायन खाएगा तो भाई साहब क्या होगा, ये क्या होगा, इसे लायन का पेट भरेगा। और लायन सॉरी इसको, इस लायन ने खाया ठीक है, और ये घास को खा रहा है, तो ये क्या चल रहा है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है यार, एक दूसरे पे क्या है इंट्रैक्शन हो रहा है तीन चारों चीज़ों का। जैसे कि ये भैंस है, भैंस को कौन खा रहा है, भैंस सॉरी भैंस क्या खा रही है, घास खा रही है, और घास खाने के बाद भैंस क्या करेगी, दूध देगी, और दूध से हमको क्या मिलने वाला है, हम ह्यूमन चाय बनाएंगे, और हम चाय पियेंगे किसके, दूध की, किसके, भैंस की। तो एक तरह से हम डिपेंडेंट हैं भैंस पे, तो है अरे गाय जो भी है, बाया गया है जो भी समझ लीजिए, तो ये एक इको सिस्टम बना रहे। देखो यहाँ पर हर तरह के जीव यहाँ पर है, और ये सब मिलकर एक इको सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसके बाद ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर, ह्यूमन एनवायरनमेंट का नाम आ रहा है, तो क्या है एनवायरनमेंट और ह्यूमन के बीच का कुछ इंट्रैक्शन होगा, और यही इसकी डेफिनेशन है, ह्यूमन बींग्स इंट्रैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो क्या है एनवायरनमेंट के संग एक इंट्रैक्शन है, और एनवायरनमेंट का यूज़ ह्यूमन अपने हिसाब से करता है, जैसे कि उसको लगा कि यार सेब है इसे खाना चाहिए, तो उसने खाने की यूज़ लिया सेब को, वहीं उसको लगा कि आके कुछ ऐसी औषधियाँ होती है जो आपके पैर हाथ में कट लग जाए तो उसको काम में लेते हैं, तो उसको लगा कि यार ये खाने के लिए केवल आपके मरहम जहाँ पे लगे हैं वहाँ लगाने के लिए, तो उसका यूज़ हमने एज एंटीबायोटिक लिया, एंटीबॉडीज लिया, एंटीबायोटिक लिया सॉरी, है ना, एंटीबॉडीज नहीं लिया। तो इस तरह से ह्यूमन एनवायरनमेंट यही है कि इंट्रैक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ह्यूमन यूज एनवायरनमेंट। With that way, time needs grew and become more varied. Human learns new ways to use the and change environment. What is an ecosystem? अब ecosystem क्या है? यहाँ देखो क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहा है। अब चलो यहाँ पर पेपर तो खत्म हो गया, ये 5 मिनट की और वीडियो ज़्यादा 2 या 3 मिनट की करेंगे। ecosystem को मैंने बताया अभी, जस्ट आपको ecosystem क्या होता है, इंट्रैक्शन ह्यूमन बींग या फिर लिविंग बींग का इंट्रैक्शन विथ एनवायरमेंट इज कॉल्ड ecosystem। और नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट वो होता है जो कि नेचर के द्वारा बनाया जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट का हमने बताया, अब मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में आएंगे ह्यूमन मेड, नेचुरल और ह्यूमन, ये तीन कंपोनेंट मेन है, तीन कंपोनेंट ना। अब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के तीन एग्जाम्पल, आप चार एग्जाम्पल बता दो चलो ठीक है, तो इसके हम दे देंगे रोड हो गई आपकी, रोड हो गए आपके, है ना, आपके ब्रिज हो गए, आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए, है ना, तो और एक मकान आप बना सकते बिल्डिंग्स का। और लिथोस्फीयर क्या, आप लिथोस्फीयर के लिए क्वेश्चन आया यहाँ पर 5 नंबर का, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के तो लैंड को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और बायोटेक इन्वायरमेंट क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन, टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटेक इन्वायरमेंट। तो पहले बायोटेक की बात करते हैं, बायोटेक को बायो से याद रखिए, लिविंग बींग वाला, तो बायोटेक में आप क्या आने वाले हैं, लिविंग बींग्स हम ह्यूमंस, तो ह्यूमंस हो गए आपके, और आपके बर्ड्स हो गए, ये बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर है ना ठीक है। और बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर का समय हम जब करते हैं कम्बिनेशन आई है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। देखो अब बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर में, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये दोनों नेचुरल इकोसिस्टम है भैया। एक्वेरियम बनाया जाता है ह्यूमन मेड मान सकते हैं हम उसको, ये एक्वेरियम नहीं है भैया, नेचुरल इकोसिस्टम विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है भैया। रिलीजन और कम्युनिटी, मैंने अभी आपको बताया था कि रिलीजन्स कम्युनिटी मिलकर रिलीजन का निर्माण करती है ना, बहुत सारी कम्युनिटी, और कम्युनिटी किससे बनती है, फैमिली से बनती है। या थोड़ा सा वापस रिकैप कर लीजिएगा, लैंड इसका आंसर सही है, विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, लैंड। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट माउंटेन, सी, रोड, रोड बिल्कुल ह्यूमन मेड का भी मैंने एग्जांपल चार पूछे थे इसने, तो मैंने यहाँ बता दिया। विच इज थ्री टू एनवायरनमेंट, ग्रोइंग प्लांट ठीक है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग प्लांट पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन ना, ये इसके आंसर मैंने आपको बता दिया, बाकी का तो आप समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में,
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नई वीडियो में।